हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यंगर ए। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में। इसकी तरफ से एक नया वैकेंसी आया हुआ है 2023 का। सबसे अच्छी बात है सारे के सारे फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। 347 पोस्ट का इसमें वैकेंसी आया हुआ है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। काफी सारे वैकेंसी इसमें आए हुए हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 50,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है और सिंगल एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। कोई यहाँ पे आपका मेंस का एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, तो काफी बढ़िया वैकेंसी। बिल्कुल मिस मत करना, जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की तरफ से नॉन एकेडमिक पोजीशन के लिए वैकेंसी आया हुआ है, मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आए हुए हैं, बहुत सारे पोस्ट है। तो जिसमें भी आप एलिजिबल हो गए, जो भी फ्रेशर के लिए होगा, उन्हीं पोस्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी अपने कैटेगरी के हिसाब से, बाकी अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप यहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका नॉर्मल ग्रेजुएशन है, वो किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे डिटेल यहाँ पे देने वाला हूँ। जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू, शिलांग, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोलकाता और न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन होगा। सो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 65 टाइप्स के पोजीशन है, वैकेंसीज है, उनमें अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें आई हुई है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो वैकेंसी है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं वो है असिस्टेंट का। इसमें आप देख सकते हैं लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, 35,000 रुपीज पर मंथ तो आपका बेसिक पे ही रहेगा। ठीक है, सारे अलाउंसेस मिला के आपको 50,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। बाकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल 46 पोस्ट का इसमें वैकेंसी आया हुआ है। अगला पोस्ट है आपका जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट इसमें भी आपका सैलरी सेम मिलेगी, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है और 6 पोस्ट का टोटल वैकेंसी इसमें है। बाकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, एनआईई इसका मतलब है कि न्यू दिल्ली वाला ऑफिस में वैकेंसी इसमें आई हुई है। अगला पोस्ट है आपका प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें भी सैलरी सेम मिलेगी आपको और यहाँ पे देख सकते हैं 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, टोटल 7 पोस्ट का इसमें वैकेंसी आया हुआ है। अगला पोस्ट है आपका सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, टोटल 8 पोस्ट का वैकेंसी इसमें आया हुआ है। अगला पोस्ट है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3, इसमें लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, टोटल 1 पोस्ट का वैकेंसी इसमें आया हुआ है, 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट इसमें दिया गया है। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क, इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है और टोटल 84 पोस्ट का इसमें वैकेंसी आया हुआ है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल मिला के 347 पोस्ट का इसमें वैकेंसी आया हुआ है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी की सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें है और ओबीसी कैटेगरी के लिए। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट पोस्ट के लिए, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आपका टाइपिंग स्पीड होना इंग्लिश में मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट, ओके, या हिंदी में मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं ये जो आपका टेस्ट होने वाला है टाइपिंग टेस्ट, इस टेस्ट को आपको विद इन टू ईयर जैसे आप यहाँ पे अपॉइंट होते हो तो 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पे आपकी इतनी स्पीड आना चाहिए टाइपिंग की। ठीक है, तो आपको सफिशियंट टाइम दिया जाएगा, अदरवाइज आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो सिलेक्शन होने वाला है रिटर्न टेस्ट के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है, कोई यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ पे लगी है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन होना कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में एंड अदर रिलेटेड सब्जेक्ट डीलिंग विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका रिटर्न एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होगा, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद बात करूँ प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें आप देख सकते हैं MLIBSE, इसका मतलब लाइब्रेरी साइंस होता है कुछ। ठीक है, या MLISC, अगर आपका ये क्वालिफिकेशन है, 50% मार्क्स है, अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसमें आपको डिजायरेबल पे ध्यान नहीं देना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजायरेबल पे आपको ध्यान नहीं देना है, कोई भी फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए, रिटर्न एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होगा। अगला पोस्ट है आपका सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री होना लाइब्रेरी साइंस में या बैचलर डिग्री होना लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में। ठीक है, या ग्रेजुएशन होना लाइब्रेरी साइंस या इन्फॉर्मेशन साइंस एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल पे आपको ध्यान नहीं देना है, इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेशर इसमें एलिजिबल है, सिलेक्शन जो है आपका रिटन एग्जाम के बेस पे होगा। उसके बाद देख सकते हैं रिसेप्शनिस्ट पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री होना हॉस्पिटलिटी या फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि आपको क्वालिफाई करना होगा, रिटन टेस्ट के बेस पे सिलेक्शन होगा। अगला पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड
3, इसमें 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना कंप्यूटर ऑपरेशन का या एप्लीकेशन का। इसी के साथ साथ कन्वर्सेंट विद डी बेस लोटस और ग्राफिक पैकेज एंड एफिशिएंट इन ऑपरेटिंग वर्ड स्टार पैकेज, ठीक है। अगर आपका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट के बेस पे सिलेक्शन होगा। अगला पोस्ट है आपका लैब असिस्टेंट, इसमें आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री होना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ज्योग्राफी जूलॉजी साइकोलॉजी होम साइंस लैंग्वेज बॉटनी मैथमेटिक्स साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। इनमें अगर आपके पास बैचलर डिग्री है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको जो इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लायंसेस है लेबोरेटरी के उसको हैंडल करने का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एक्सपीरियंस कितने दिन का चाहिए यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन होगा। अगला पोस्ट है हमारा लोअर डिविजन क्लर्क, कोई भी 12th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड होना 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो सिलेक्शन होने वाला है रिटन टेस्ट के बेस पे ही होगा। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 29 अप्रैल 2023 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 19 मई 2023 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन डेट या इंटरव्यू की डेट आपको बाद में पता चल जाएगी। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। SST 5 साल, OBC 3 साल। एग्जामिनेशन फी की अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जो लेवल 10 से लेकर 12 वाली पोस्ट है उनके लिए 1500 रुपए एप्लीकेशन फी है। लेवल 6 से 7 तक 1200 रुपए एप्लीकेशन फी है हर एक पोस्ट के लिए। और लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक 1000 रुपए एप्लीकेशन फी है हर एक पोस्ट के लिए। अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा फीस लगेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है आपको बाद में पता चलेगा। इन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है, तो ये आपको बाद में पता चल जाएगा। और एग्जामिनेशन सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है। जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपको जो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न और एग्जामिनेशन सेंटर इन सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, आप दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए ध्यान रखना। गुड बाय।